हेलो वीवर्स, मैं हूं सरताज सर। आप देख रहे हैं सरताज सर की क्लास। क्या आप कभी बाहर घूमने गए हैं और वहां पर आपको गोरे चिट्टे अंग्रेज दिखाई दिए हैं? क्या अंग्रेजों को देखकर आपका दिल हुआ है कि आप भी उनसे इंग्लिश में गिटर पिटर करें? क्या अंग्रेज आपकी इंग्लिश सुनते ही आपका थोड़ा देखना पसंद नहीं करते और वहां से भाग लेते हैं? क्या आपको लगता है कि आपकी इंग्लिश अंग्रेजों से बात करने लायक नहीं है? क्या आप भी चाहते हैं कि आपकी इंग्लिश इतनी अच्छी हो जाए कि आप अंग्रेजों से खूब बात करें, यहां तक कि अंग्रेज खुद कहें हमसे 100 रुपए ले लो लेकिन हमसे बात कर लो? तो आज की ये वीडियो आप ही के लिए है। आज मैं आपके लिए कुछ ऐसी ट्रिक्स लेकर आया हूं जिनको इस्तेमाल करके आप अंग्रेजों से बातचीत कर सकते हैं और वो भी आपसे बात करने में इंटरेस्टेड हो जाएंगे। अक्सर ऐसा होता है कि हम अंग्रेजों से बात करने की कोशिश करते हैं लेकिन वो हमारी बात का जवाब नहीं देते, चल देते हैं, या हम उनसे थोड़ी बात करना चाहते हैं तो न्याओ न्याओ करके ज्यादा नखरेबाजी झाड़ते हैं। आज से उनके नखरे खत्म। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप फॉरेनर से बात कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टाइम अगर आप घूमने जाना तो ये वीडियो साथ लेके जाना, फिलहाल अभी देख लो। अब अंग्रेजों से ऐसे बात करने की ट्रिक जानने के लिए इस वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्रिप्शन बटन के बराबर में एक बेल आइकन को उसको दबा दीजिए ताकि रोजाना वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। तो चलिए गाइस शुरुआत करते हैं स्टूडियो की। आज के दिन मैं आपको सिखाता हूं अंग्रेजों से बात करने की ट्रिक, जिसके बाद अंग्रेज आपके घर तक आ जाएंगे। ये ज्यादा हो गया, मतलब बात करने लगेंगे। अब भाई साहब हम इसे 4 भागों में बांट देते हैं, एक एक पॉइंट अच्छे से समझना। पहला भाग, आई मीन पहला पॉइंट है यूज पोलाइट वर्ड्स। अब आप अंग्रेज के पास गए, वो बैठा है, अब आप जाते क्या कहते हैं? हाय। वो कहेगा हाय हाय, नहीं वो कहता है हाय। अब आप क्या कहते हैं फिर? व्हाट इज योर नेम? ये नहीं बोलना है, पोलाइट नहीं है, ये ऐसा लग रहा है तुम गुंडा कर दी दिखा रहे हो इंडिया में और तुम जाते ही पूछ रहे हो नाम बताओ अपना। क्यों बताएगा वो नाम? वो पासपोर्ट वीजा लेके आए हैं, वो ऐसे नहीं बताएगा। तो हम अक्सर पूछ लेते हैं व्हाट इज योर नेम, फ्रॉम वेयर आर यू, तुम कहां से हो, ये सब नहीं। पोलाइट वर्ड्स का अगर आप यूज करेंगे देन ऑब्वियसली वो आपसे बात करने में इंटरेस्टेड होगा। तो पोलाइट बनने के लिए आप 4 चीजें यूज कर सकते हैं। पहला है वुड यू प्लीज। का क्या मतलब है? सुनो, कृपया, प्लीज, मेहरबानी करके, ये बहुत पोलाइट है। जब भी आपको नाम पूछना हो टेल मी योर नेम, व्हाट इज योर नेम, ऐसे नहीं पूछना है। आप वुड यू प्लीज का यूज कीजिए। Would you please tell me your name? Would you please tell me? अब लंबा चौड़ा सा भी लग रहा, उसे भी लगेगा हाँ ये सरताज सर क्लास इंग्लिश सी कैच इंग्लिश बोल रहा है। तो आप नाम पूछते टाइम व्हाट इज योर नेम या टेल मी योर नेम को अवॉइड करें। ये फॉर्मल नहीं है, ये मतलब अच्छा नहीं है, ये शरीफों वाली भाषा नहीं है, गुंडागर्दी सी लग रही, थोड़ी अकड़ वाली है। सो वुड यू प्लीज टेल मी योर नेम, या फिर आप किस कंट्री से हैं, फ्रॉम वेयर आर यू, ऐसे बोल देते हैं, या व्हाट इज योर कंट्री नेम, अबे तुम्हें क्यों बताएगा, उन्होंने कर्जा ले रखा है, कमेटी डाल रखी है तुम्हारे घर पे। सो आप बोल सकते हैं Would you please tell me from where are you? क्या आप मुझे बता सकते हैं, मेहरबानी होगी, कि आप कहां से हैं? अब इसके बाद दूसरा वाला polite sentence है, phrase है, could you please? अब अभी सीखा would you please, तो would you please use होता है बोलचाल में, बातचीत में, नाम पूछ लिया, पता क्यों बताएगा वो? मान लो या फिर आपने फेसबुक आईडी, ईमेल आईडी, ईमेल एड्रेस या फिर कुछ और जानकारी ले ली, तो बोलचाल में। लेकिन अंग्रेज से अगर कोई काम कराना है, प्यास लग रही है, उसके बाद बिसी ले रही है, दे दे भैया, गिव मी वाटर, ऐसे मांग रहे, पता नहीं कैसे, ऐसे नहीं मांगना है। या फिर कोई काम करवाना, यहां बैठा, यहां बिठालना है, कुछ का फिजिकल वर्क करवाना है, तो वुड यू प्लीज नहीं, फिर कुड यू प्लीज का यूज करेंगे। प्यास लग रही है, उसके पास पानी है, कुड यू प्लीज गिव मी वाटर, तो अब अच्छा लग रहा है। पहले आप क्या कह रहे थे? गिव मी वाटर। ओ भाई ऐसा लग रहा था इसे पानी मांग रहा है, इसकी बिसलेरी खुद की कंपनी है, हमने गुनाह कर दिया इंडिया में बिसलेरी खरीद के। सो अब आप बोलेंगे कुड यू प्लीज गिव मी वाटर, तो आप ये फिजिकल वर्क कराने के लिए, वो यहां बैठा आपको उधर बिठाना है, तो प्लीज सिट देयर या सिट देयर नी, कुड यू प्लीज सिट देयर, इस तरीके से बोलेंगे। या फिर आपको एक फोटो दे, मेरा एक फोटो ले दो प्लीज, उससे कुड यू प्लीज कैप्चर पिक्चर ऑफ मी, या कैप्चर माई पिक्चर, या टेक माई फोटो, ऐसे बोल सकते हैं। सो कुड यू प्लीज, फिजिकल वर्क अंग्रेज से कराने के लिए। इसके बाद आप बोल सकते हैं Would you mind if, इसका मतलब होता है आपको बुरा तो नहीं लगेगा अगर, ये अच्छा शब्द है। दूसरे से अगर आप इस तरीके से अंग्रेज से बोलेंगे तो लगेगा आप बहुत अच्छे पढ़े लिखे इंसान है। तो जैसे आपको पूछना है व्हाट इज योर नेम, तो मैंने आपको वुड यू का तरीका बता दिया था, लेकिन अगर आपको याद नहीं रहा तो आप बोल सकते हैं, जब वो याद नहीं रहा तो इतना लंबा क्या खा के याद रहेगा, कोई नहीं। हाँ, तो वुड यू माइंड इफ आई आस्क योर नेम, क्या आपको बुरा तो नहीं लगेगा अगर मैं आपका नाम जानना चाहूं या पूछूं, तो आप बताएगा, पहले व्हाट इज योर नेम नहीं बताएगा, mind if I ask your name, क्या आपको बुरा तो नहीं लगेगा अगर मैं आपका नाम जानना चाहूं, तो इस तरीके से आप ये बोल सकते हैं। Would you mind if I talk to you for a while, आपको बुरा तो नहीं लगेगा थोड़ी देर में आपसे बात कर लूं। Would you mind if I sit here, आपको बुरा तो नहीं लगेगा अगर थोड़ी देर में यहां बैठ जाऊं। So you would you mind if का यूज करेंगे अगर आप, तो उसको लगेगा आप पोलाइट है। और अगर ये कुछ याद ना रहे ना, झाड़ झमूड़ा, तो आप सिर्फ इतना बोल देना प्लीज, इसे तो हम इंडियंस बहुत घिसते हैं सच में
तो आप प्लीज भी बोल सकते हैं। तो ये मतलब लास्ट का हथियार है, जब काम ना आए कोई चीज, जब आप वुड यू प्लीज, कुड यू प्लीज या वुड यू माइंड भूल जाएं, तो प्लीज कम से कम आप प्लीज तो बोल ही देना, तब चांसेस हैं शायद वो आपसे बात कर ले। ऊपर वाले में तो पक्के चांसेस हैं, प्लीज में कम है लेकिन बहुत कम नहीं है। सो व्हाट इज योर नेम की जगह प्लीज टेल मी योर नेम, कृपया करके अपना नाम बताइए। प्लीज कैन आई सिट हियर, क्या मैं यहां बैठ सकता हूं, प्लीज लगा के। तो प्लीज भी एक पोलाइट वर्ड है, और जब आप सामने वाले को प्लीज, हमारे लिए प्लीज का इतना महत्व नहीं होता, कोई कहता ना प्लीज, हमें तो भागे हाइट हाइट अंग्रेजी झाड़ रहा ज्यादा, लेकिन वो जो प्लीज बोलते हैं तो उन्हें लगता है हाँ इसे कपड़े भी उतार के दे दो अपने नंगे हो जाओ, उन्हें ऐसा लगता है प्लीज सुन के, सही है। तो आप प्लीज का भी यूज कर सकते हैं। तो पहली चीज याद रखना, बी पोलाइट, यूज पोलाइट वर्ड्स, तो अंग्रेज इंटरेस्टेड होंगे। चार चीजें बोली थी, पहली सिखा दी, आओ अंग्रेजों से बात करने की नेक्स्ट ट्रिक देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है टेलिंग अबाउट योरसेल्फ, टेलिंग अबाउट योरसेल्फ, यानी कि जब भी आप फॉरेनर से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके पास जा रहे हैं, तो डायरेक्टली उनके बारे में मत पूछो, पहले थोड़ा सा अपने बारे में बताओ। आप अमेरिका में घूम रहे हैं और अंग्रेज आके गए, तुम्हारा नाम क्या है, अब आपके एकदम थोड़ी बता देगा भाई कौन है तू, मीठे से क्या बोल रहा है। लेकिन अगर वो पहले अपने बारे में बताए, थोड़ा सा अपनी जानकारी दे, तब आप ज्यादा सिक्योर फील करेंगे। सेम कंडीशन उनके साथ होती है कि आप डायरेक्टली व्हाट इज योर नेम, वुड यू प्लीज, कुड यू प्लीज, जो भी मैंने सिखाया, उससे बढ़िया यह है कि पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दे दो। अब इंट्रोडक्शन में ये नहीं माय फादर नेम इज ये, माय मदर नेम इज ये, मैं 4 बजे उठता हूं, 5 बजे बाहर जाता हूं, 6 बजे खेत में आता हूं, ऐसे नहीं बोलना है। इंट्रोडक्शन में बस आपको 2 चीजें बतानी है। नंबर 1 में मतलब अपने आपको जो टेलिंग योरसेल्फ कर रहे, तो 2 चीजें उन्हें, नंबर 1 नाम, हाय आई एम सरताज, ऐसे हाय आई एम राखी, हाय आई एम पूजा, हाय आई एम राहुल, हाय आई एम आरिफ। तो यहां पे आप क्या देख रहे हैं, पहले हाय बोलने के बाद, हेलो बोलने के बाद पहले अपना नाम बताओ, फिर सामने वाले से कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करो, सामने वाले मतलब अंग्रेजों से। लेकिन खाली नाम बता के नहीं, और दूसरा पॉइंट भी ऐड करो, और वो है प्रोफेशन, प्रोफेशनल, प्रोफेशनल, प्रोफेसर, इंग्लिश वीक है मेरी, क्या था वो, प्रोफेशन ही था अपना, प्रोफेशन अपना, ऑक्यूपेशन यानी कि अपना जो आप क्या है वो भी करो। जैसे मैं टीचर कह रहा हूं, सॉरी टीचर हूं, जैसे मुझे कहना है, मुझे बात करनी है, तो मैं कहूंगा हाय दिस इज सरताज आई एम अ टीचर, तो आप थोड़ा सा लगेगा अच्छा ये टीचर है, इसका नाम सरताज, इससे बात कर लो, मुझे तो लगा ये कोई जो है डरावना सा इंसान है। तो ऐसे ही आप एक्सप्रेस कीजिए, हाय आई एम राहुल, आई एम स्टूडेंट, हाय आई एम रानी, आई एम हाउस वाइफ, हाय आई एम सुहेल, आई एम ये और आई एम वो, आई एम कॉल सेंटर वर्किंग, जो भी हो तुम। तो आप जब अपना नाम और अपना प्रोफेशन बताएंगे तो सामने वाले को एक पोलाइट फील होगा और सिक्योर फील होगा, और वो अंग्रेज फिर आपसे आगे बातचीत करेगा और वो अपना नाम भी बताएगा। लेकिन पहले आप अपना नाम बताना और अपना ऑक्यूपेशन यानी कि अपना प्रोफेशन बताना, दूसरा पॉइंट नोट कर लिया। आओ अब अंग्रेजों से बात करने की तीसरी ट्रिक देखें। और भैया तीसरे नंबर का पॉइंट है परमिशन, परमिशन, अब परमिशन समझते हो ना, यानी किसी से परमिशन लेना। भैया अंग्रेजों से बात करते टाइम परमिशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि बिना परमिशन के आप अंग्रेजों क्या किसी और इंडियन पर्सन से भी बात नहीं कर सकते बिना परमिशन। तो परमिशन लेना अवश्य है, और बात के लिए नहीं, किसी भी काम के लिए, कोई भी चीज के लिए अगर आप उनसे करवाना या पूछना चाहते हैं तो उसकी परमिशन ले लीजिए। परमिशन लेने के 2 तरीके हैं, पहला है मे आई, बहुत कॉमन है, मे आई कम इन मैडम, ऐसे बोलते थे हम तो भैया, ऐसे बंदूक से दिखा के मैडम को बचपन में याद आ रहा है, तो मे आई। और दूसरा है कैन आई, अब इन दोनों में से कौन सा कब यूज करना है सुनो, अगर अंग्रेज थोड़ी सी ज्यादा उम्र के हैं यानी कि बुजुर्ग से नजर आ रहे हैं, बाल तो उनके सफेदी होते हैं, बुजुर्ग कैसे पता चलेगा, एक तो अंग्रेजों में कंफ्यूजन बहुत होती है, बुढ़ापे में काले हो जाते हैं बाल, और वैसे भी चलो जो भी है, तो अगर आपको लगता है कि वो बुजुर्ग है या उनकी उम्र ज्यादा है तो आप मे आई का यूज करेंगे। जैसे हाय मैडम आई एम सरताज आई एम अ टीचर, मे आई नो योर नेम, मे आई नो योर नेम, यानी कि वो बुजुर्ग हैं, महिला हैं, तो मैंने उनको मैम भी कहा और मैंने उनका मे आई करके संबोधित किया, उनसे परमिशन मांगी, या फिर मे आई टेक द वॉर, क्या मैं वॉर ले सकता हूं, या फिर मे आई सिट हियर, क्या मैं यहां टिका सकता हूं अपनी तशरीफ, तो आप मे आई करेंगे। लेकिन अगर आपको अंग्रेज एक जवान एकदम बढ़िया जो है गबरू, या फिर अपनी उम्र का दिख रहा है, बच्चा सा है, या फिर मतलब अच्छी यंग एज का है, तो आप उस फॉरेनर से कैन आई करके परमिशन लेंगे। हेलो सर कैन आई नो योर नेम, हेलो, पहले अपने बारे में बता देना, भी जो बताया था मैंने, कभी डायरेक्टली कैन आई पूछा, फिर रोते फिरोगे, हमसे तो बात ना करिए, हमें भगा दिया, वीडियो बेकार है, वो जो बताया वो तो फॉलो कर लो, तो आप कैन आई करके बात करेंगे। सो परमिशन हर चीज के लिए लेना, उनका नाम जानना चाहते हैं तो कैन आई आस्क योर नेम, या फिर बहुत पोलाइट बन के वुड यू लाइक, वुड यू प्लीज टेल मी, जो पहले आपको बताया था। तो इस तरीके से आप परमिशन भी लेना और आप वुड यू वगैरह का भी इस्तेमाल करना। आओ अब फाइनल वाला पॉइंट जाने। और भैया चौथे नंबर पे है व्हाट टू आस्क, व्हाट टू आस्क, यानी अंग्रेज से क्या पूछे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आती है कि मान लो अंग्रेज ने बता दिया नाम, हाँ माय नेम इज थॉमस, या जो भी भैया का नाम है, अब नाम बताने के बाद
बात सब है, क्या बात करें, अब इससे क्या पूछे, इंग्लिश हमारी बेसिक लेवल की अभी सीख रहे हैं, इसीलिए तो अंग्रेज से बात करने का क्रेज है, अब शुरुआत कैसे करें, क्या पूछे। तो फॉरनर से जब भी बात करें तो फालतू की बात ना करें, हाँ भैया तुम्हारी मौसी कैसी है, खाला कैसी है, फुप्पो कैसी, ऐसे नहीं पूछना है। आप जो बात करें वो अपने मुल्क अपनी कंट्री को लेकर करें। सबसे पहले आप क्या पूछ सकते हैं, उनने नाम बता दिया, डिड यू लाइक आवर कंट्री, क्या आपको हमारा मुल्क पसंद आया, क्या आपको हमारा देश पसंद आया, ये क्वेश्चन आप जरूर करें। तो वो अपनी राय जरूर रखेगा, अपना फीडबैक रखेगा आपकी कंट्री के लिए, हमारे देश के लिए, कि उसको हमारे देश में कैसा लगा। या फिर आप दूसरा क्वेश्चन कर सकते हैं खान पान को लेकर, खाने को लेकर, डिड यू लाइक द इंडियन डिशेस, क्या आपको भारतीय व्यंजन, भारत के खाने पसंद आए, तो वो भारत के खानों के बारे में बताएगा। फिर आप जिस जगह पर हैं तो उस जगह के खाने के बारे में पूछ लीजिए, मान लीजिए मुंबई में है, सो डिड यू ट्राई पाव भाजी, क्या आपने पाव भाजी ट्राई की, या दिल्ली में है, डिड यू ट्राई गोलगप्पा, क्या तुमने गोलगप्पे ट्राई किए, या पंजाब में है, डिड यू ट्राई सरसों का साग एंड रायता एंड क्या होता है, नहीं मक्के की रोटी सरसों का साग, हाँ और वो भी भाई साहब छाछ के गिलास के साथ, ओए लस्सी वाले, हाँ तो आप यही पूछ सकते हैं। और ये हो गया, अब इसके बाद आप पूछ सकते हैं हिस्टोरिकल प्लेसेस के बारे में, दैट व्हिच हिस्टोरिकल प्लेस डिड यू लाइक इन इंडिया, आपको कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारत में सबसे ज्यादा पसंद आया, कौन सी ऐतिहासिक बिल्डिंग जो थी भारत में आपने देखी और आपको सबसे ज्यादा पसंद आई। या फिर आप लोगों के बारे में पूछ सकते हैं, डिड यू लाइक द इंडियन पीपल, क्या आपको भारत के लोग अच्छे लगे, इस तरीके से पूछ सकते हैं। या किसी खास आप स्टेट में हैं जहां की एक खास चीज मशहूर है, मान लीजिए आप आगरा में तो आप वो अंग्रेज से बात कर रहे हैं, तो आप वहां की खास चीज के बारे में पूछ सकते हैं, डिड यू सी द ताजमहल, क्या आपने ताजमहल देखा, लेकिन पूछना ऐसे कि वो ताजमहल पे ना खड़ा हो, कभी वो कहे मुंडी घुमा के देखो तुम्हारे पीछे ये शाहजहां ने बनवाया था, हमसे मत पूछो जाओ निकलो, ऐसे ना हो जाए कहीं, तो आप वहां की फेमस चीज के बारे में पूछ सकते हैं। तो अपनी कंट्री के बारे में पूछिए, अपने कंट्री के फेमस खानों के बारे में पूछिए, या आप फेमस एक्टर एंड एक्ट्रेसेस के बारे में भी पूछ सकते हैं, डू यू नो सलमान खान, डू यू नो शाहरुख खान, डू यू नो अक्षय कुमार, डू यू नो अमिताभ बच्चन, डू यू नो ऐश्वर्या राय, तो इस तरीके से वो आपको जो है आप उनसे कन्वर्सेशन कर सकते हैं। मैं अब अंग्रेज से बात करने जा रहा हूं भाई साहब, अपनी वीडियो से बहुत सीखा मैंने। तो भाई साहब देखा आपने, आज मैंने आपको फॉरेनर्स यानी अंग्रेजों से बात करने के कुछ टिप्स दिए, कुछ तरीके बताए। बहुत सारे लोगों की ऐसी कंप्लेंट होती है कि हम अंग्रेजों से बात करने की कोशिश करते हैं, उनके साथ फोटो खिंचवाना चाहते हैं, पर वो भाग जाते हैं और जो है हमारी बात का जवाब नहीं देते, कि हमारी इंग्लिश खराब है क्या। अपना कॉन्फिडेंट लेवल डाउन मत होने दो, आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, आप कन्वर्सेशन करने लायक हो। बस फर्क इतना होता है कि वो लोग थोड़े दूसरी कंट्री में, पराई कंट्री में है, तो इतनी जल्दी फैमिलियर नहीं होते हैं। लेकिन अगर आपके बात करने का तरीका अच्छा है, एक वे ऑफ टॉकिंग है आपके अंदर, आप दिखने में फॉर्मल है, एक अच्छे लग रहे हैं, गुंडे ये मेरी तरह नहीं, ओहे एक मिनट, मेरी तरह नहीं मतलब, अबे यार तुम्हारे चक्कर में सर्टी फाड़ ली हमने, मेरी तरह नहीं, तो आप अच्छे से कपड़ों में है, तब वो थोड़ा सा एग्री हो जाते हैं आपसे बात करने के लिए। वो उनको नहीं, हमारे साथ भी ऐसी होता है, कभी मैं जाता हूं इंग्लैंड, मेरा मैं कब गया इंग्लैंड, एक सपने देखने में क्या है, कभी मैं कनाडा चला जाता हूं, तो फिर भैया मैं ऐसे थोड़ी बात कर लूंगा सबसे, लेकिन देखने में अगर लगेगा कि हाँ वो अच्छे तरीके से मुझसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं बात जरूर करता हूं। यह वीडियो आपको कैसे लगे मुझे जरूर बताइएगा, और प्लीज एक चीज की रिक्वेस्ट है आपसे, मैंने इतनी मेहनत की आपके लिए, कि आप इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। आपको शेयर पर क्लिक करना है, लिंक कॉपी करना है, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जहां जहां आप हैं, और ग्रुप ग्रुप में आप सब जगह मेरी वीडियो जरूर शेयर किया कीजिए। मैं इंग्लिश सिखाता हूं आपके स्टाइल में, अपने स्टाइल में, देसी स्टाइल में। अब जाओ इस वीडियो को सबके साथ शेयर करना, और जाते जाते एक टुच्चा सा प्यारा सा लाइक देकर जाना।